हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। और इस चैप्टर में हम लोग फेनोमेनोलॉजी पढ़ेंगे। फेनोमेनोलॉजी घटना क्रिया विज्ञान। देखिए, एथनोमेथोलॉजी और फेनोमेनोलॉजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है और एक टेल है, बस ऐसे आप समझ लीजिए। एथनोमेथोलॉजी जे जे देखिए, हाथ का ये एक है फेनोमेनोलॉजी और ये एथनोमेथोलॉजी। लड़के ने लड़की से कहा आई लव यू, लड़की ने लड़के के बारे में क्या सोचा? लड़की ने लड़के के बारे में सोचा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और बहुत अच्छा फील हुआ उसको, पर लड़के के मन में कुछ और था, वो सचमुच में मोहब्बत नहीं करता था। ये बात पता नहीं चल पा रही है, दैट इज़ कॉल्ड फेनोमेनोलॉजी। जो सच्ची बात थी वो छुप गई, जो आम बात थी वो सामने समझ गए। तो समान अर्थ क्या निकालते हैं, विशेष अर्थ क्या होता है, अब बात समझ में आ गई। तो घटना क्रिया विज्ञान विशेष रूप से दार्शनिक दृष्टिकोण को साथ लेकर आता है, ये उपयोगितावाद को नकारता है। इसी कारण इसका उद्गम जर्मनी अर्थात यूरोप में है। फेनोमेनोलॉजी, फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी हस्रेल है, मैक्स वेबर इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैक्स वेबर भी इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन की बात करते हैं, मैक्स वेबर सब्जेक्टिव मीनिंग की बात करते हैं। ये सारा जो हम आपको बोल रहे हैं इसको लिख लीजिएगा, आत्मनिष्ठ अर्थ की बात करते हैं। मैक्स वेबर व्याख्यात्मक बोध कराने वाले विज्ञान की बात करते हैं। अमेरिका जैसे उपयोगितावाद के पक्षधर ने देश में घटना क्रिया विज्ञान अपनी जड़ें नहीं जमा सके। यद्यपि अमेरिका में जॉर्ज संत्याना ने घटना शास्त्र को स्वीकार किया, संत्याना अमेरिका के थे और वो फेनोमेनोलॉजिस्ट थे, उसे विकसित करने का प्रयास किया, किंतु वहाँ पर घटना क्रिया विज्ञान पनप नहीं सका। घटना क्रिया विज्ञान को परिभाषित करना और उसके अर्थ को स्पष्ट करना सरल नहीं है। माना जाता है कि प्रत्येक घटना क्रिया विज्ञान का दृष्टिकोण अलग है, जितने घटना क्रिया विज्ञानी उतने ही घटना क्रिया विज्ञान। घटना क्रिया विज्ञान के प्रथम प्रवर्तक एडमंड हस्रेल है। कौन है? एडमंड हस्रेल। ये क्वेश्चन खूब आता है नेट में। यद्यपि इस उपागम के वास्तविक प्रवर्तक अल्फ्रेड शूट्स है, जो उन्होंने बाद में इसको आगे बढ़ाया। हुआ यह कि जर्मन दार्शनिक हस्रेल ने सामाजिक यथार्थ से संबंधित अनेक विचारों का सृजन किया, किंतु वे इन विचारों को व्यवस्थित रूप नहीं दे पाए। बात होती है सोशल रियलिटी की, और सभी अध्ययन सोशल रियलिटी तक पहुँचने चाहता है, लेकिन फेनोमेनोलॉजी का मूल मकसद है सोशल रियलिटी, यथार्थ। हस्रेल ने के शिष्य ऑस्ट्रिया निवासी ये जो अल्फ्रेड शूट्स है हस्रेल के विद्यार्थी हैं, अपने गुरु के विचारों को व्यवस्थित किया और उन्हें घटना क्रिया विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। वैसे घटना क्रिया विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हस्रेल ने अपनी जर्मन भाषा में अपनी पुस्तक आइडिया इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी में किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अंग्रेजी भाषा में ये पुस्तक सन 1969 में प्रकाशित हुई। क्या नाम है? आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर सोशियोलॉजी। घटना क्रिया विज्ञान के विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले समाजशास्त्रियों में हस्रेल और शूट्स के अतिरिक्त, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नेट में आएगा, पीटर ब्लाउ, पीटर बर्जर, थॉमस लकमैन, जॉर्ज पास्थस, डगलस रोश, मैक्स वेबर, मेंशेलर, जॉर्ज सीमेल, कॉल मैनहिम, चार्ल्स कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड तथा विलियम जेम्स के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त मार्टिन हेडगेल, मार्टिन पोंटी, जीन पॉल सॉर्ट तथा मार्टिन गीगट भी महत्वपूर्ण हैं। घटना क्रिया विज्ञान कोई विचारधारा नहीं है, अध्ययन की एक पद्धति है, एक उपागम है। क्या है ये अध्ययन की पद्धति, इट इज मेथोलॉजी। घटना क्रिया विज्ञान की स्पष्ट मान्यता यह है कि वस्तु जैसी दिख रही है उसे वैसा ही मान लेना हमारी भूल हो सकती है, जैसी दिखती है वैसी है नहीं। किसी ने आई लव यू कहा उसको उसी रूप में मत समझो, इसके पीछे का अर्थ क्या है। इतना मतलब जी कहते हैं जैसा दिखता है वैसा ही समझो। अगर कोई नेता आपको बोल रहा है रोजगार देंगे, कोई नेता आपको बोल रहा है मुझे वोट दे दो सड़क बनवा देंगे, कोई नेता आपको बोल रहा है मैं पानी की व्यवस्था कर दूंगा, बिजली की व्यवस्था कर दूंगा, हर चीज़ आपके इलाके में अच्छा कर दूंगा, तो लोग सोचते हैं कर देगा और उसको वोट दे देता है। लेकिन
फिनमिनोलॉजी कहते हैं नहीं, जो जैसा कह रहा है उसको वैसा मत सोचो, उसके पीछे रीजन क्या है ये जानो, क्यों नेताजी ऐसा कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, कुछ तो दाल में काला है। तो दाल में काला निकालने की पद्धति है फिनमिनोलॉजी। फिनमिनोलॉजी जानने की कोशिश करते हैं कि नेताजी आके 5 साल के बाद ये क्यों बोलते हैं रोजगार देंगे, सड़क बिजली पानी हर सुविधा देंगे, शिक्षा देंगे, और 5 साल तक खबर नहीं लेते, स्टूडेंट को बैठने के लिए ठीक से जगह नहीं होती, लाइट नहीं आती, बिजली नहीं आती, पानी नहीं है, सही से व्यवस्था नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, बेरोजगारी है, उस पर ध्यान नहीं देते, तो उसके पीछे का रीजन फिनमिनोलॉजी कहता है निकालो, वोट है वोट, वोट सच्चाई जानो। तो वस्तु की वास्तविकता के बारे में जानना है तो हमें उस वस्तु के मूल में जाना होगा। घटना क्रिया विज्ञान समाजशास्त्र की पूर्व मान्यताओं के विरुद्ध वैसायिकता चिंतन आलोचनात्मक मूल्यों को महत्व देता है और स्वीकारता है। तो ये क्या करता है, ये वैसायिकता पे फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव मीनिंग निकालता है, और एथ्नोमेथोलॉजी सब्जेक्टिव मीनिंग पे फोकस करता है। तो मुझे लगता है कि आपने हमारी बात को अच्छे से समझ ली है। अब हम यहाँ आते हैं, सोशल शुड्स इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक यथार्थ, सोशल रियलिटी की बात सबसे ज़्यादा कौन करता है, शुड्स करता है। रियलिटी तो तब पता चलेगा ना जब अंदर की बात पता चलेगी। फेनोमेनोलॉजी शब्द की रचना 2 शब्दों से मिलकर हुई है, फेनोमेनन और लोगस। फेनोमेनन का अर्थ होता है दिखाई देने से, और लोगस का अर्थ अध्ययन है। मानव तर्क और ज्ञान का उद्भव कैसे होता है, घटना क्रिया विज्ञान या घटना क्रिया विज्ञान प्रघटना शास्त्र क्या है, अध्ययन या खोज या का यही प्रमुख विषय है। कि ज्ञान को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, किसी घटना के बारे में पूर्वाग्रहों, पूर्व मान्यताओं, तर्क का क्या स्वरूप है, जो तर्क चल रहा है पूर्वाग्रह क्यों है, पूर्व मान्यताएँ क्यों हैं, किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी क्षेत्र को बुरा क्यों माना जाता है, उसके पीछे के पूर्वग्रह को, पूर्व मान्यताओं को जानने की वास्तविकता को कोशिश की जाती है। तो दर्शन, ये दर्शन शास्त्र की भी एक विधि के रूप में फिनोमेनोलॉजी शब्द का प्रयोग, प्रघटना शास्त्र का मूल विषय चेतना के बारे में व्यक्तिगत रूप में जानकारी प्राप्त करना, फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड में प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल की कृति गवेषणा करता है, फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड। और शुड्स का कहना है घटना क्रिया विज्ञान वस्तुओं में रुचि नहीं, उनके अर्थों में रखता है, अर्थों का निर्माण मस्तिष्क करता है, समाज विज्ञान विश्वकोश। यह दर्शन शास्त्र की एक विधि है, विश्वकोश के अनुसार यह दर्शन शास्त्र की एक विधि है जिसका प्रारंभ व्यक्ति से होता है तथा व्यक्ति को स्व अनुभव से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये 1-2 परिभाषा तो आपको याद रहना चाहिए, और ख़ास तौर से हसरेल का और फिनमिन और क्या कह रहे हैं कि अल्फ्रेड शुड्स का। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि घटना क्रिया विज्ञान या प्रघटना शास्त्र एक ऐसा दार्शनिक उपागम है। देखिए इसको आप जरूर याद रखिए, ये क्या है, दार्शनिक और उपागम है, अध्ययन पद्धति है जो घटनाओं का अध्ययन बाह्य रूप में नहीं करता बल्कि ध्यान का गहराई में जाकर, अंदर जाकर वास्तविकता को खोजने, वास्तविकता गहराई अंदर जाकर काम कर रहा है, बाहर बाहर देख के। तो आप देखिए एक ही सिक्के के 2 पहलू, एथ्नोमेथोलॉजी और फिनमिनोलॉजी, एथ्नोमेथोलॉजी ऊपर ऊपर, फिनमिनोलॉजी अंदर अंदर, ठीक है। तो घटना क्रिया विज्ञान मनुष्य में अपने तथा दूसरे के साथ अपने संबंध को जानने और समझने का एक आदिम ललक या प्रवृत्ति है। इस बात को ध्यान में रखते हुए घटना क्रिया विज्ञान तीन घटना कर्मों को पहचानने और जानने का प्रयास करता है। वे अर्थ जो लोग अपनी दुनिया और वस्तु और व्यक्ति के घटना के बारे में लगाते हैं, वे दृष्टिकोण या संदर्भ जिससे लोग अपने को तथा दूसरे को देखते हैं, वे अभिप्राय जो उनके व्यवहार में अंतर्निहित होता है, इन सब पॉइंट को तो आप जरूर याद कर लीजिए, ये हूबहू दे देगा। इम्पैक्ट ऑफ घटना क्रिया विज्ञान में किन किन का प्रभाव रहा है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का प्रभाव, जितने भी माइक्रो लेवल स्टडी हैं इसमें एथ्नोमेथोलॉजी का भी और फिनोमेनोलॉजी का भी प्रभाव रहा है। कौन कौन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कर रहा है, शुड्स जो है ना इंटर सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, इंटर सब्जेक्टिविटी
की प्रक्रिया पर देखा जा सकता है। शुट्स घटना वैग, ये क्वेश्चन आता है नेट में, मैं ये बात बार बार इंटर दे देगा, इंटर सब्जेक्टिविटी की बात किसने की, अल्फ्रेड शुट्स, आया हुआ क्वेश्चन है नेट में। घटना वैज्ञानिक उन्मुखता, शुट्स की मानता है कि मनुष्य अपने मन में नियमों, सामाजिक रीति रिवाजों और उचित व्यवहार की अवधारणाओं, अन्य सूचनाओं को लिए हुए चलता है, जिससे उसका सामाजिक जीवन में पाना संभव होता है, नियम आदर्श। शुट्स ने एक और बात की है, ज्ञान के भंडार की बात की है, इसी बात को लेके। ज्ञान के भंडार में क्या क्या आता है, शुट्स कहते हैं, शुट्स देखिए ये सब कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में लाना, इंटर सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं कि शुट्स कहते हैं कि कोई बात का अर्थ एक व्यक्ति दूसरे से पूछताछ करता है, दैट इज इंटर सब्जेक्टिविटी, कि आत्महत्या क्यों हुआ, क्या बात है, कैसे हुआ, क्या कारण है, एक दूसरे से पूछा, दैट इज इंटर सब्जेक्टिविटी। फिर शुट्स कहते हैं ज्ञान का भंडार, नॉलेज बैंक की बात करते हैं शुट्स, कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान का भंडार है, सब जानता है बकरी क्या है, कुत्ता क्या है, बिल्ली क्या है, टीचर क्या है, डॉक्टर क्या है, इंजीनियर क्या है, रेलवे क्या है, साइकिल क्या है, बाइक क्या है, एकदम ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, ये जरूरी है। लोगों का यथार्थ उनका ज्ञान भंडार होता है, किसी समाज के सदस्यों के लिए उनका ज्ञान भंडार सर्वोच्च यथार्थ का सृजन करता है। ये क्वेश्चन आता है, ज्ञान के भंडार की चर्चा किसने की, ज्ञान के भंडार का अस्तित्व कहाँ से होता है, समाजीकरण के द्वारा होता है। ज्ञान का भंडार आपको समझ में आ गया है, ज्ञान का भंडार सीखा जाता है, लोग बचपन से लेकर के हर चीज़ सीखते हैं। तो ये रहा अल्फ्रेड शुट्स, को एक नज़र और देख लेते हैं। शुट्स ने सामाजिक संबंधों की व्याख्या परंपरागत समाजशास्त्रीय के आधार की जगह घटना क्रियात्मक आधार पर की है। शुट्स का मत है कि मनुष्य अपने मन में नियमों, सामाजिक रीति रिवाज, उचित व्यवहार, सब चीज़ अपने अंदर रखता है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में व्यतीत हो पाता है। मनुष्य अपने अंदर रीति रिवाज, तौर तरीके, विश्वास, सब है मनुष्य के अंदर, और सूचनाओं का योग को, सारी चीज़ को वो ज्ञान का भंडार कहते हैं, स्टॉक नॉलेज कहते हैं। ये ज्ञान भंडार मनुष्य को उन्मुक्ता प्रदान करता है, जिसके आधार पर वो घटनाओं का विश्लेषण करता है। अब सपोज कि मान लो कि आत्महत्या हो गया, तो आत्महत्या क्यों हुआ, मनुष्य सोचता है, विचार करता है, इन सारे ज्ञान के भंडार के, आत्महत्या आपस में कहीं कोई तनाव तो नहीं था, बेरोजगारी तो नहीं थी, नौकरी नहीं मिली, टेंशन तो नहीं था, कोई लड़ाई हुई होगी, क्या वजह था, आदमी क्यों सोचता है, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है। वो कहते हैं ज्ञान का भंडार जन्मजात नहीं होता, ये क्वेश्चन आएगा, जो व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार करता है उसे हमारे ज्ञान के भंडार की जानकारी होती है। अब हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं तुम गधे हो, तो उसको ये बात समझ में आती है, क्योंकि उसको ज्ञान का भंडार का नॉलेज है, उसको पता है कि गधा का क्या अर्थ है। अगर उसे हम ये कहते हैं तुम शेर के मानिंद हो, तो उसका अर्थ वो समझता है, क्योंकि ज्ञान का भंडार उसके पास है, शेर का अर्थ वो समझता है। समान संसार की धारणा कर्ताओं को प्रारूप की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान करता है। व्यक्तियों की वास्तविकता उनका ज्ञान का भंडार है। समाज के सदस्यों के लिए उनका ज्ञान का भंडार सर्वोच्च यथार्थ का निर्माण करती है। पैरामाउंट रियलिटी की बात, जो यथार्थ कहाँ से आता है, रियलिटी की जो बात करते हैं अल्फ्रेड शुट्स, वो आता है स्टॉक ऑफ नॉलेज से। स्टॉक ऑफ नॉलेज क्या, आइडिया, हैबिट, फॉकवेज, कस्टम्स, मोर्स, जो समाज से आपने प्राप्त किया है। ज्ञान का भंडार निरपेक्ष यथार्थ होता है, इस यथार्थ को व्यक्ति स्वीकृति मान कर चलता है, ज्ञान के भंडार को मान कर चलता है। शुट्स का घटना क्रिया विज्ञान यूरोप के घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिका के अंतर क्रिया विज्ञान का मिश्रण है। घटना क्रिया विज्ञान और समाजशास्त्र का समन्वय करने के उद्देश्य से शुट्स ने मैक्स वेबर की अवधारणा का विश्लेषण करने प्रारंभ किया। शुट्स के ऊपर मैक्स वेबर, हसरल, हर्बर्ट मीड और डब्ल्यू आई थॉमस का प्रभाव है। शुट्स की घटना क्रिया विज्ञान में निम्नलिखित अवधारणाएं हैं, इसको आपको समझ लेना चाहिए, मान्यताएं हैं। अर्थबोध संदर्भ, अर्थबोध क्या लगाता है व्यक्ति, ये अनुभव बहुलवादी व्यक्तियों क्रियाओं द्वारा बनते हैं, ये उच्चतर संश्लेषण का निर्माण करते हैं। उनके इस संश्लेषण को अद्वैतवादी दृष्टि से किसी संरचित इकाई के रूप में देखा जा सकता है, ये सब है। शुट्स ने घटना क्रिया विज्ञान में तीन तत्व की चर्चा की है, ये क्वेश्चन नेट में आता है, कौन कौन से हैं, लाइफ वर्ल्ड, जीव जगत, स्वाभाविक अभिवृत्ति, नेचुरल एटीट्यूड, और तीसरा है इंटर सब्जेक्टिविटी। जीव जगत, नेचुरल एटीट्यूड, स्वाभाविक अभिवृत्ति और अंतर
व्यक्तिनिष्ठा, इंटर सब्जेक्टिविटी जो हमने आपको बताया, एक दूसरे से रिलेशनशिप, इंटरैक्शन, इंटर सब्जेक्टिविटी कहलाता है। ये तीनों घटना क्रिया विज्ञान की आधारशिला है। घटना शास्त्रीय समाज शास्त्र की रचना तीनों के आधार पर होती है। जीव जगत जहाँ हम रहते हैं, स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है और इंटर सब्जेक्टिविटी होती है, उसकी बात करते हैं। आगे हम पीटर ब्लाउ की बात करेंगे, पीटर बर्जर की बात करेंगे, और अभी इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीटर बर्जर पे, तो कुल मिलाकर के इथ्नोमिथोलॉजी और फिनोमिनोलॉजी में एक बड़ा फ़र्क है। इथ्नोमिथोलॉजी सामान्य लोग क्या समझते हैं, फिनोमिनोलॉजी सामान्य लोग जो समझते हैं उसका अर्थ और सच्चाई दोनों में अलग है। फिनोमिनोलॉजी वास्तविकता को पता करना चाहते हैं जो सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं, यही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।